नीचे वाले हिस्से के ऊपर ऐसे रख देना है, ओके। देन ये जो साइड का जो डंडा है उसको हमें ऐसा करके उसको उसके ऊपर थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के लिए। अभी हम देखते हैं अपनी रोटी चपाती। आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी रोटी, वाओ कितनी अच्छी तैयार हो गई है। मेरी तो ऐसी रोटी कभी नहीं बनी, आज पहली बार बनी है।